एक तारीख से 17 तारीख तक ही ऑफर अप्लीकेबल होगा, जो लोग इस पीरियड में आएंगे उन्हीं को ये ऑफर मिलेगा, उसके बाद और उसके पहले का नहीं। गुप्ता जी पे मुझे डाउट नहीं है, गुप्ता जी भाग के जाइए कहाँ, गुप्ता जी का 15 को मशीन यहाँ है ना, तो 150 मशीन के घर पे है, इसलिए गुप्ता जी भाग के मंगवा कर नहीं जाएंगे। अब नहीं, अब नहीं भागेंगे। हमारे जितने सारे मॉडल है, ठीक है, जितने भी कमर्शियल मॉडल है उस पे हम 5000 का डिस्काउंट देंगे। हमारे पवन सर के अपने एकदम चहेते व्यूअर्स है, उन सबको उनके होम स्टे तक, घर तक ट्रांसपोर्ट फ्री। जिसने भी अपना वक्त बदलने की ठानी है, इस दुनिया में उसी की कहानी है, और कहानी नहीं तो जिंदगानी नहीं। दोस्तों, महावीर और बुद्ध की धरती से आप सभी का अभिनंदन, और बिहार स्टोरी मीडिया पे वैशाली का जब जब नाम आता है तब तब हमारे ख्याल में एक नाम जरूर उभर के सामने आता है, धूपन गुप्ता। धूपन गुप्ता जी हैं, आप जरा अंदर आए। धूपन गुप्ता जी, बिहार स्टोरी की स्क्रीन पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यहाँ बात। अगर फुर्सत हो तो सर 5 मिनट बाहर बात करें। चलिए, लगता है काफी लोग यहाँ पे थे, मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सब अपने कस्टमर हैं। अच्छा, कस्टमर हैं, थोड़ा सा परिचय कराएंगे। सर ये दरभंगा से है ना, मोतिहारी से आए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? राम भूपेश जी। अच्छा, आप भी? नहीं नहीं सर, अच्छा आप तो यही है। अच्छा, और ये लोग भी हमारे आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं सर? भागलपुर से। भागलपुर जी। आप सर? हम मोतिहारी से आए हैं। मोतिहारी से आए। सब लोग सर प्यार दे रहे हैं और सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं तभी जो है से कि भारत मशीनरी दर बदर डे बाय डे आगे जा रहा है। अच्छा, वीडियो में जैसा देखा था आप लोगों ने, जो बताया गया है धूपन जी से मिलके, ऐसा लगा कि कुछ बनावटी था या आपने जो देखा वैसा पाया? नहीं नहीं, जो चीज हम लोग देखे पहले से यूट्यूब में वो सभी चीजें उपलब्ध है। चलिए धूपन जी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बहुत ही शानदार एक नई ऑफिस खोल ली है। ये नया ऑफिस है? ये नया ऑफिस है सर, ये हमारा महुआ के अंदर तीसरा ऑफिस है। तीसरा ऑफिस? जब मैंने स्टार्ट किया था तो 8x10 के कमरे से स्टार्ट किया था। वहाँ पे सर आपको बुलाना मैं सही नहीं समझता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वहाँ आप नहीं आ पाएंगे। जब उसके बाद सेकेंड ऑफिस आया तो आपको पहली बार मैं वहाँ पे आ पाए थे, और ये थर्ड वाला है। तो वहाँ पे 2 कमरे में था, यहाँ 5 कमरे में। 5 कमरे में। और बहुत जल्दी ये डबल फ्लोर होने वाला है। क्या बात है। और पूरे ऑल इंडिया में अभी लीड कर रहे हैं सर, हर जगह पे हमारी, कोई स्टेट नहीं छोड़े हैं, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं छोड़े हैं, जहाँ पे हमने मशीने नहीं भेजा और जहाँ से हमें प्यार नहीं मिला। धूपन गुप्ता जी का थोड़ा सा स्टोरी बिहार स्टोरी पे बता देता हूँ कि बहुत बार इन्होंने मुझे कॉल किया होगा, शुरुआत में मैसेज भी भेजा। 6 महीने बाद मैं आपके पास जी 100% 6 महीना लग गया सर को आया था। तो छोटी सी गैराज में आपकी चंद मशीनें थीं, और लगा था कि एक महुआ में गांव से लड़का जो कि कभी सेल्समैन का काम किया करता था, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पल्वराइजर बिक्री का और ये मार्केटिंग का संभाल पाएंगे कि नहीं, लेकिन शायद 1 साल के अंदर धूपन जी ने सारे रिकॉर्ड्स जो है ब्रेक कर डाले हैं। और मुझे लगता है कि आज के डेट में बिहार में आपके जितना माल किसी के पास नहीं। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा कि एक छत के नीचे सबसे ज्यादा सेगमेंट 12 से 15 सेगमेंट पल्वराइजर के अंदर हम उपलब्ध कराते हैं, और उस 15 मॉडल की एक स्टॉक हमें नहीं लगता है कि बिहार के अंदर कोई अभी है। और दूसरा, मैं इंडिया में भी कह रहा हूँ कि जितना मैंने अभी तक लोगों को रोजगार से जोड़ा है, बहुत कम कंपनी है जो जोड़े होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हाँ लोगों को नीड क्या है। क्योंकि आटा चक्की कोई बड़का बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं लगाते हैं, वो छोटे लोग होते हैं, मीडियम लोग होते हैं, हमारे जैसे होते हैं। मैं उनकी जरूरतों को समझ के डे बाय डे हमने जो है इंक्रीज किया है, मॉडल चेंज किया है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ सकता है तो किस मॉडल से उसको दूर किया जा सकता है। इसी के एवज में आज कह सकते हैं कि बिहार के अंदर में 10 से 12 मॉडल, एक पल्वराइजर का 12 मॉडल हम जो है आज कम से कम दे रहे हैं मार्केट में। बहुत बढ़िया धूपन जी, इस जर्नी में बधाएं तो बहुत मिली होंगी आपको। सर बधाएं का तो मैं ये कह दूं कि जो भी हमारे इस सेगमेंट के बड़े बड़े जो सेलर्स थे, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वो यही बोलते थे कि एक छोटे से शहर महुआ में पंचायत लेवल पे काम करके कोई क्या उखाड़ लेगा। आज मैं उनको, मैं नहीं जवाब दूंगा, हमारे कस्टमर्स जवाब दे रहे हैं, हमारी ग्रोथ जवाब दे रही है, हमारे मॉडल्स जवाब दे रही है कि हम एक महुआ में, आज सुबह ही हमारे यहाँ से वेस्ट बंगाल से मालदा से कस्टमर आए थे, बाय फिजिकल वो यहाँ पे आए हैं, देखे हैं, और एक नहीं 3 मशीन हमारे यहाँ से परचेज किए हैं। अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, कोई एरिया सर नहीं छोड़ा हूँ।
और ये पंचायत लेवल की बात बता रहा हूँ सर, लोग यहाँ पे आते हैं, इतना धूपन गुप्ता को लोग ट्रस्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, ये मेरे लिए बहुत सफलता की बात है। वाकई धूपन गुप्ता एक कीर्तिमान लिखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं वैशाली की धरती से, और वैशाली जिले में ये जो नई ऑफिस है आपकी जी, ये लोकेशन पहले से बहुत बेटर है, रोड की सुविधा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छी है। जी जी। तो ये लोकल जो लोकेशन है ये क्या है थोड़ा सा बता दें। सर गांधी चौक है जो मेन बाजार महुआ जो पड़ता है वो गांधी चौक है, गांधी चौक से समस्तीपुर रोड में हाईवे पे ही लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप के नजदीक, इंडियन पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उससे जस्ट 2-10 कदम पीछे है हमारा ऑफिस, एकदम रोड के लेफ्ट साइड में, एकदम वन एकदम पहले से भी बहुत आसान है, ट्रांसपोर्टेशन आने में लोगों को कष्ट ना हो इसीलिए मैं सर यहाँ पे हाईवे पे आया हूँ, वरना मेरा ऑफिस अंदर में भी बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन लोगों को जो हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं जो है यहाँ पे ऑफिस से अपना लेके आया हूँ। बहुत अच्छा लोकेशन है, और भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेस इनके फर्म का नाम है, और धूपन जी से बस अब यही हम जानना चाहेंगे कि पिछले एक साल में जी जो एक होता है ना कि आप इस बिजनेस में हैं, आपके जैसे बताए आज हर राज्य से देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं जी जी। तो कौन सी वो मशीन है, कौन सा वो पल्वराइजर है जिसकी डिमांड जी जी सबसे ज्यादा है जी। ये एक हो गया डिमांड सबसे ज्यादा है, और ये भी साथ में पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से कौन सा पल्वराइजर है जो सबसे बेस्ट है आज के डेट में, तो उन सब पर चर्चा करेंगे। देखिए मैं ये जो यूनिट है आपका, ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट सेलिंग मशीन है, क्योंकि इसकी मैंने कस्टमर रिव्यू भी आपके चैनल पे भी डलवाया था, और ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन है मेरे नजर में, और कस्टमर के यहाँ भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देता है, कॉस्ट वाइज भी बहुत ढंग का है, और परफॉर्मेंस बाय भी, मेंटेनेंस बाय भी, हर एक तरीके से ये एकदम बेस्ट सेलिंग मशीन, ये मॉडल नंबर वन पे है। उसके बाद हमारे पास एक और मॉडल है, वो मैं इसके बारे में बताइए जरा। ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है सर कि 7.5 HP, 10 HP दोनों ही मशीन है, ये मोटर पे इस पे वो आप चला सकते हैं। 7.5 HP पे भी चलाते हैं तो 100 kg तक प्रोडक्शन इसमें आप बिजली आटे का निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको एक बार दिखाया भी है वहाँ पे। उसके बाद भी हमने कई कस्टमरों के यहाँ दिया है जो जिनके यहाँ मैंने वीडियो डलवाया है, और इसको आप 10 HP पे ही चलाएंगे तो आपका 120 kg तक प्रोडक्शन इसमें इजीली आ जाएगा। अच्छा। और आटे का अच्छे क्वालिटी के साथ। अच्छा। गेहूं का। उसके बाद एक और हमारे पास मॉडल है, वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये तो अभी मैंने लॉन्च किया है ये मॉडल, ये मॉडल भी बहुत बेहतर है। उसी चेंबर को मैं थोड़ा सा बाहर से लगाया हूँ, ताकि बहुत लोग बोल रहे थे कि हमें इंजन पर अगर डायरेक्ट चलाना है शाफ्ट लाइन पे, तो उसके लिए हमने उसका सारा तामझाम हटा के डायरेक्ट इसको सेट किया है, तो एक बेस्ट मॉडल हमारा ये भी है। इसका क्या कैपेसिटी है, कितना? ये भी 7 HP और 10 HP, सिर्फ चेंबर वगैरह सारा वही है, सिर्फ हमने इसका लुक चेंज कर दिया है, ताकि तो कुछ आउटपुट वगैरह दोनों में सेम है, सारा चीज सेम, जो लुक चेंज है, और वो फैसिलिटी है कि आप डायरेक्ट शाफ्ट लाइन से जब चलाएंगे तो इसमें बाहर से उसको पूरा कवर बॉडी किया है, आप इस साइड से हमने इसमें कवर नहीं किया है, तो आपने दी है वो साइक्लोन के लिए, साइक्लोन इसमें गर्म हवा निकलेगा यहाँ से, आउटलेट होगा। उसके बाद एक और बेस्ट मॉडल हमारे पास है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो अभी तक मतलब कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे कह सकते हैं कि है, जी आपका आ जाएगा एक हमारा ये वाली जी, ये हमारा आप सेकेंड मॉडल पे कह सकते हैं 10 HP के और 15 HP पे आप इसको चला सकते हैं, 7.5 और 10 दोनों से चला सकते हैं। एक बेस्ट मॉडल है जो 6 ब्लेड में आता है। अच्छा। हाँ, ये भी मैंने काफी लोगों को दिया है और काफी सेटिस्फाइड मशीन है, अच्छा प्रोडक्शन आता है, 100 kg तक इसमें भी आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये इस लिहाज से 10 HP, इसमें एक फंक्शन हमने एक्स्ट्रा दिया है क्या? कि इसमें हमने वॉयल और ग्रीस दोनों दिया है। अच्छा, अच्छा। जो सारी मशीनें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीस का ये होता है, लेकिन इसमें ऑयल और ग्रीस दोनों दिया है, उससे क्या होगा, जब आप लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी में मशीन चलाएंगे लंबे समय तक 10 घंटे 8 घंटे, तो आपका जो हब वगैरह है, वायरिंग वगैरह है, वो जल्दी हीट नहीं होगा। अच्छा। और इसके बाद इसमें हमने 2 पार्ट में जो हॉपर है उसको 2 पार्ट में लगाया है, इसमें हमने जो है आपको मैग्नेट भी लगा के दिया है, हर एक तरीके से फैसिलिटी इसमें हमने दिया है। इसमें आप मसाले भी पिसाई कर सकते हैं, बहुत बारे जो चक्की है उसमें मसाला नहीं पिसाई कर सकते, क्योंकि उसका जो होल होता है अंदर डालने में मसाले नहीं होंगे। ये वाला जो है मसाले कंबाइंड है जी, तो मसाला इसमें अगर डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसका होल हमने बड़ा दिया है, जो जिसके वजह से क्या होगा कि मसाला इसमें जा पाएगा, मोटा हल्दी वगैरह भी इसमें इजिली चला जाएगा जी, तो इसलिए ऑल इन वन है। 7.5 HP और ये 10 HP पे नहीं चलेगी जी जी, ये 10 HP पे चलेगी, 10 HP पे चलेगी, 10 HP, 7.5 HP और 15 HP तीनों पे चले, जितना आप इसका मोटर वगैरह बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा मोटर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा आपका, यानी कि
15 HP तक का लोड ले, लोड ले लेगा, 15 HP तक तक का लेगा, 10 HP में आपको 100 kg प्लस प्रोडक्शन इसमें देगा, 15 HP में जाएंगे तो और ज्यादा देगा। उन दोनों का कितना बताए थे? उसका भी सर 120 kg और लगभग जो है ऐसे कि 100 kg। जो 6 दिया है इसका क्या लाभ? 5 मिनट में बता सकते हैं। हाँ ठीक है, इनका सवाल सही था, बता ही दीजिए कि इन्होंने ये पूछा, क्या पूछा सर आपने? हमने पूछा कि 6 जो लगा हुआ है इसका 4 से और 6 से क्या लाभ? कुछ विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन होता क्या कि जैसे 6 है तो इसमें ये ज्यादा हैवी बीटर हो गया और इससे थोड़ा कम हैवी होता है, जैसे जितना आप कॉस्ट लगाते हैं उसके हिसाब से जो होता है ना कि जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, तो उसके हिसाब से बाकी आपका प्रोडक्शन वगैरह में कोई फर्क इसमें विशेष नहीं आने वाला है, कोई फर्क नहीं आने वाला है। नहीं नहीं, कोई लाभ विशेष नहीं है, जैसे लोगों का डिमांड होता है कि भाई हमें 6 ब्लेड में चाहिए, उस तरीके से होता है, तो इसमें 6 ब्लेड लगा। हाँ जैसे उसमें मजबूती इसमें आपको ज्यादा प्रदान किया गया है और कुछ विशेष नहीं है, जैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब का आपका मशीन होगा। क्या बात है ना, ये यानी कि 3 जो मशीनें आपने देखी धूपन जी के हिसाब से ये टॉप 3 है, बाकी आप मॉडल की बात करेंगे तो इसी में हमारे पास 5 HP की मॉडल आ जाती है, 5 HP वाली, हाँ 5 HP की सेम मॉडल है, और बहुत जल्दी इसमें हम जो है 20 HP का भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें 18 इंच की चेंबर होगी, वो बहुत जल्दी इस विश्वकर्मा पूजा तक हो सके तो लॉन्च भी कर देंगे। अच्छा, तो मतलब वो तो 3 जो मशीन बताए वो तो सब उसके लिए तो आपको 3 फेज वाली होगी, सब सारे 3 फेज, यहाँ ये सिंगल फेज वाली, हाँ इसमें सिंगल फेज और 3 फेज दोनों मोटर आप इसमें चला, इसमें दोनों आपके पास दोनों चला सकते हैं, हाँ इसमें सिंगल फेज और 3 फेज दोनों चला सकते हैं। और बात रही सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज की मोटर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक आप हमारे पास सबसे पहले छोटा सा नॉर्मल मॉडल आ जाता है जो 2 HP में है, ये 2 HP में है, 2 HP का सबसे हेवी मॉडल है, 2 HP का देख सकते हैं सबसे हेवी मॉडल है, ये 2 HP में आ जाएगा, इसी का सेम मॉडल आपको 3 HP में आ जाएगा, ये 3 HP सेम मॉडल और सेम मॉडल ये 5 HP आ जाएगा, यानी कि 2 HP 3 HP और 5 HP, इसमें सिंगल फेज सारे सिंगल फेज है, मोटर इनबिल्ट है इसमें, इसके अंदर मोटर लगा हुआ है, आपको अलग से मोटर लगाने की जरूरत नहीं। 2 HP वाले ये क्या मशालों के लिए भी यूज कर सकते हैं? ये 2-in-1 है, इसके अंदर से बाहर से इसमें जो होता है, छोटी वाले जितने देख रहे हैं ये सब सारे 2-in-1 है, देखिए इसमें आगे से ये ऐसे लग जाएगा, उससे क्या होगा इधर से आप मसाला पिसाई कर सकते हैं, इधर से आप मसाला पीस सकते हैं, इधर से आप गेहूं और जो भी अनाज है वो पीस सकते हैं, तो ये 3 मॉडल हमारा जो है वो 5 HP 3 HP और 2 HP में आता है। इसी में बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 3 HP में हमें विदाउट मोटर में चाहिए, तो विदाउट मोटर के लिए 5 HP में हमारे पास ये है जिसको आप सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में चला सकते हैं। अच्छा। और इसी में 3 HP का भी हमारे पास, 3 HP में विदाउट मोटर क्यों चाहिए? जैसे बहुत लोगों के पास होता क्या है कि जैसे पंपी सेट वगैरह जो किसान है उनके पास पंपी सेट का ऑलरेडी मोटर होता है। अच्छा। उनको किसान योजना से भी मिला होता है, तो वो बोलते हैं कि भैया हमें आप बिना मोटर की मशीन दे दीजिए, तो ये मॉडल उनको संभव नहीं है क्योंकि इसका शाफ्ट जो है ना बड़ा होता है मोटर का, इसमें आप नॉर्मल पुल्ली वाला मोटर लगा सकते हैं। हाँ उसका मैं ओपन इसका मैं दिखा देता हूँ, पहले सर ये जान लेंगे कि थोड़ा सा ये बता दें कि 2 HP 3 HP 5 HP वाली की जो प्रोडक्शन क्षमता, 2 HP में आपको 20 kg तक प्रोडक्शन आ जाएगा, आटा का बता रहा हूँ, गेहूँ का मसाले सर डिपेंड करेगा 15 kg 20 kg जैसा मसाला रहेगा, हल्दी मिर्चा उसके ऊपर सिचुएशनल डिमांड वो रहेगा। अच्छा। और इसमें आपको 3 HP में जाएंगे 35 kg तक लगभग आएगा। अच्छा। और वही 5 HP में जाएंगे तो 40 kg तक प्रोडक्शन आएगा। अच्छा। हाँ ये सारे बेस्ट क्वालिटी के आटा की मैं बात कर रहा हूँ, जो अच्छे क्वालिटी की है। और प्राइस इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई फोन से बात कर लीजिए, फोन प्राइस इसलिए नहीं बताना मैं उचित भी नहीं समझता हूँ क्योंकि सबकी प्राइस बताऊंगा और डे बाय डे इंक्रीज हो जाता है, सिर का दर्द हो जाता है, सिर का दर्द हो जाता है। मतलब बोलेंगे कि वीडियो में आपने सर इतना बताया था, 6 महीना पहले आप वीडियो देखते हैं वो आके बोलेंगे अच्छा आपका पवन सर का वीडियो देखे थे आपने ये बताया था, हाँ भैया 6 महीना पहले पेट्रोल का क्या भाव था, आज क्या है। तो एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो आप कृपया इनके नंबर पे कॉल करें और पूछ लें, ये इतना कष्ट करें, बाकी जो जानकारियां हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मटेरियल क्या है ये सब चीजों की जो आपने इस्तेमाल यहाँ पे, ये बता दे, हमेशा कमेंट आता है कि भाई हॉपर का जो है वो क्या मटेरियल है, बॉडी क्या है? इसमें हमने जो हॉपर बनाया है वो SS का, फुल्ली SS 303 का है, 302 का है। उसके बाद जो इसका बॉडी है वो MS का बनाया है, MS का मीटर जो है वो सैंड कास्ट का आता है। अच्छा। उसमें SS मिला होता है, लोहा मिला होता है, एक बेहतर मटेरियल बनाया होता है ताकि वो हीट कम हो, है ना। उससे क्या होता है कि हीट कम होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि खाली SS का बीटर होना चाहिए, लेकिन SS ज्यादा हीट होता है। अगर वैसा कुछ रहेगा तो हम भी उसको अपडेट करके दे देते हैं कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। अच्छा धूपन जी एक सवाल और आपसे हमको पूछना है कि ये जो मशीन ले गए और एक साल में जो मशीनें खराब हो जाती है और बना बिगड़ा जो है इसको कैसे निपटारा करिएगा? देखिए सर झूठ बोल के तो काम करना नहीं चाहते हैं,
प्रॉपरली अगर कहेंगे तो सर वारंटी और गारंटी जो होता है सर वो हमारे किसी भी पार्ट के टूटने फूटने का गारंटी वारंटी नहीं होता है, लेकिन हर तरीके से उसको हम चेक करके हर तरीके से सोचते हैं और अच्छी मटेरियल देते हैं कि जो लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी से टूटा नहीं है। बाकी फिर भी अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो पार्ट्स अवेलेबल है, और वैसा कोई कस्टमर सिचुएशन ऐसा हो जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना चाहिए तो उनके दिया जाता है। उनके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कितने मतलब कैसे पर्सनैलिटी है, कैसा बिहेवियर हमारे साथ उनका कैसा रिलेशन है उस पर हम देखते हैं, और जैसा मतलब अगर अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर को निराश नहीं करते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं आया अभी तक एकदम कस्टमर में और आपने कुछ ठन गया? देखिए बात को लेके हम तो सर यही जानते हैं कि हमारे लिए अगर कोई भगवान है तो कस्टमर ही है, तो वैसा कोई सिचुएशन हम कोशिश करते हैं कि नहीं आने देते आगे बढ़ा तभी नहीं आने देते। अब 1-2% का मैं गारंटी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने साइड से कोशिश करता हूँ कि भाई कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे कस्टमर हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे, जो भी प्रॉब्लम होगा मिलजुट के सॉल्व कर लेंगे। हम अकेले भी करना चाहे तो नहीं होगा, उन्हें भी हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे जितने भी कस्टमर है वैसे भी सब बहुत सपोर्टिव है, फैमिली की जैसे जुड़े हुए, डे बाय डे उन लोगों से व्हाट्सएप वगैरह पे चैट होते रहता है। एनी टाइम कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है, आप जरा उधर कैमरा दिखा दें, आप देख सकते हैं कि अभी दोपहर में धूपन जी से एक बड़ी मतलब मुझे सर आपसे टाइम लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि लोग अंदर खोज रहे हैं, और इसीलिए तो सर हम आपसे क्षमा के प्रार्थी है कि लेकिन कहीं ना कहीं सर से आप लोग का भी है कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं बिहार स्टोरी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और जितने भी लोग प्यार देते हैं हमारे कस्टमर्स भी सब लोग मिल के हमें आगे बढ़ाए हैं, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी अपने साथ लेकर के चलूँ। धूपन जी ने जब इसका उद्घाटन किया था तो मुझे कार्ड दिया था, मैं आ नहीं पाया था, लेकिन आज मौका मिला इधर से गुजरने का तो आया हूँ, लेकिन एक खास मकसद से आया हूँ सर, इसलिए कि देखिए जो हमारे मशीनों के देवता है विश्वकर्मा जी, 17 सितंबर को जो है पूरे देश में है, तो मैं चाहता हूँ कि जब आज इतने ऊंचाई पर आप हैं, इतना सफलता मिला है, तो उन्हीं कस्टमरों के लिए कुछ तो आपके पास आपके पिटारे से निकले कुछ ऑफर वगैरह? जी सर, हमेशा से कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट दे पाए, लेकिन फिर भी इस विश्वकर्मा पूजा हमारी कंपनी जो भारत मशीनरी है वो एक बहुत ही बेस्ट ऑफर लेकर के आएगी, और ये 1 तारीख से 17 तारीख तक ही अप्लीकेबल होगा। व्यूअर्स को आप ये जरूर कहिएगा कि डेट हमेशा याद रखें, क्योंकि ऑफर जो है एक लिमिट पीरियड तक ही होता है तो वो चलने वाला होता है। अब ऐसा नहीं कि ये वीडियो फिर 1 साल के बाद देखेंगे तो फिर वो अप्लीकेबल नहीं होता है। हमारे जितने सारे मॉडल है, ठीक है, जितने भी कमर्शियल मॉडल है उस पे हम 5000 का डिस्काउंट देंगे, 5000 का डिस्काउंट अरे पे, हाँ जो कमर्शियल मॉडल है, कमर्शियल मॉडल जो भी है उस पे 5000 का डिस्काउंट, और प्लस एक एक्स्ट्रा जो लोग बोलेंगे कि भाई बिहार स्टोरी से हम जुड़े हुए हैं, हमारे पवन सर के अपने एकदम चहेते व्यूअर्स है, उन सबको उनके होम स्टे तक घर तक ट्रांसपोर्ट फ्री 5000 डिस्काउंट। सोच लीजिए, हाँ का ऑफर है 5000 तक का फ्लैट डिस्काउंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स पर, कमर्शियल प्रोडक्ट्स पर, और प्लस बिहार स्टूडेंट स्टोरी के व्यूअर्स को एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट फ्री। तो बहुत बढ़िया है, 1 तारीख से 17 तारीख तक ये ऑफर अप्लीकेबल होगा, जो लोग इसकी इस पीरियड में आएंगे उन्हीं को ये ऑफर मिलेगा, उसके बाद और उसके पहले का नहीं। नहीं भाई तो बहुत मुझे भी सरप्राइज किया आपने, और जिन लोगों को इस बिजनेस में उतरना है खास करके आटा चक्की के बिजनेस में, और ये बहुत सुनहरा अवसर है कि आप आइए विजिट कीजिए और मशीनें देख लीजिए, और सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मशीनों को देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा ना कहिएगा कि भाई हाँ धूपन जी ने कुछ झूठ बोला, पवन सर ने कुछ झूठ दिखा दिया। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो भी लोग बिहार के बाहर से हैं या फिर बिहार के भी हमारे यहाँ नहीं आ सकते किसी कारणवश, हो सकता है लाइफ में बिजी हो और उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होता है कि कहीं गुप्ता जी पैसा लेके भाग नहीं जाएंगे, कहाँ भागिए, ठीक है, तो उन वैसे कस्टमर्स के लिए, वैसे लोगों के लिए हमारे पास है कि आप सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए बुकिंग अमाउंट डालेंगे हमारे कंपनी अकाउंट में, एकदम रजिस्टर्ड कंपनी अकाउंट में 5000 डालेंगे, आपके यहाँ मैं आपका मशीन भेज दूंगा, आप चेक कर लें कि हाँ आपका मशीन पहुंच गया है, देन बाकी का अमाउंट आप हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए। ये एक उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा भी गुप्ता जी पे 1% भी डाउट है, और गुप्ता जी पे मुझे डाउट नहीं है, गुप्ता जी भाग के जाइए कहाँ, गुप्ता जी का 1500 मशीन यहाँ है ना, तो 150 मशीन के घर पे है, इसलिए गुप्ता जी भाग के मंगवा तो नहीं जाएंगे, अब नहीं भागेंगे, आप लोग चले जाइएगा भैया, और किसी से भी पूछ लीजिएगा कि भाई धूपन गुप्ता का गाँव कौन सा है, बगल में ही है, पहुंच जाइएगा।
जाएगा। हाँ जी, इतना तो है कि आप बता देंगे तो आ जाएंगे, घर पे आ सकते हैं आप। इतना रेपुटेशन नाम कमाया है भाई, ऐसा ना सोचिए। और चलिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और अब तो विश्वकर्मा पूजा का आपको ऑफर भी मिल चुका है। और चलिए धूपन जी, इसको वीडियो को बरामद करते हैं और ये भीड़ संभालिए, पहले आप जाइए देख लीजिए भाई, आ जाइए इधर, हम लोग भी चले अब ऑफिस में। और दोस्तों, जो भी बिहार स्टोरी को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। और धूपन जी के साथ फिर आते हैं, अभी तो जनरल बातचीत हुई थी एक, लेकिन धूपन जी और कुछ नई मशीनें लेकर आए हैं, उस पर हम लोग जरूर बातचीत करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर हम आपको भी वीडियो दिखाएं। तो चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।